गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बच्चों हमारे लिए अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा। ये टॉपिक ऐसा है जो हमारे आने वाले जो हम रिट का एग्जाम देने जा रहे हैं या नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, दोनों के लिए ही ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आज मैं अधिगम के अर्थ व परिभाषाओं के बारे में बताऊंगी। हमारे जो ये कंपटीशन एग्जाम है इनके अंदर हमसे इसके अर्थ के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में, ये हमसे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। ये हम आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं जो हम शिक्षा मनोविज्ञान है उसके अंदर कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। लास्ट वीडियो में जो मैंने शिक्षण में आपको बताया था कि जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है उसके अंदर शिक्षण की प्रक्रिया से हम क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, यानी कि शिक्षण की प्रक्रिया से हम अधिगम करते हैं अर्थात हम सीखते हैं। छात्र के व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं वो परिवर्तन हमारा कौन सा होता है, अधिगम के कारण, अर्थात जो हम सीखते हैं। हम ये मानते हैं कि एक सिंपल तरीके से हम सामान्य इसके लिए एग्जाम्पल लेंगे कि जो हम विद्यालय में जब बच्चे प्रवेश करते हैं उसके लिए हम कहते हैं कि वो एक हमारे लिए कच्चा घड़ा होता है, जिसे शिक्षक उसको शिक्षा देकर पूरी शिक्षण प्रक्रिया कर अधिगम उसको सिखाकर एक परिपक्व घड़ा बनाती है, अर्थात उसे एक आकार देते हैं। हम मानते हैं शिक्षक के लिए कि शिक्षक में ऐसी कला होती है जो बच्चों को अपना इनका जो मनचाहा आकार है वो प्रदान करते हैं। बट लेकिन हम इस चीज को मानते हैं कि वो आकार किस तरीके से प्रदान किया जाता है, शिक्षक जो हमें अधिगम करवाते हैं यानी कि हमें सिखाते हैं, उस सीखे जो हम सीखते हैं उसके अंदर हमारे व्यवहार में जो हम वांछित परिवर्तन लाते हैं वो हमारा स्वरूप प्रदान करते हैं। इसलिए मैंने आज आपका जो टॉपिक लिया है वो है हमारा अधिगम, कि अधिगम का अर्थ क्या होता है और उसकी कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। सिंपल तरीके से हम देखें अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ है सीखना, बच्चे जो सीखते हैं। अधिगम का अर्थ है सीखना जो कि निरंतर रूप से चलने वाली वह सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु तक हमारी चलती रहती है, मृत्यु उपरांत चलती रहती है। यानी कि ये हमने पहले भी कहा था कि शिक्षण भी हमारी ऐसी प्रक्रिया होती है जो निरंतर चलती है। जब शिक्षण प्रक्रिया चल रही है तो क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया का ही तो हिस्सा अधिगम है, उसी से तो हम सीख रहे हैं, तो उसके लिए कहा जाता है कि जो हमारा अधिगम है वो ऐसी प्रक्रिया होती है, ऐसी सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक यानी जो सत्य है, वो ऐसी सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। जब हमारा जीवन प्रारंभ होता है तब से ये शुरू होती है और हमारे मृत्यु तक ये चलती ही रहती है। जब तक व्यक्ति कुछ ना कुछ कहीं से कुछ ना कुछ वो हमेशा सीखता ही रहता है। एक अधिगम के लिए हम कह सकते हैं कि अधिगम ऐसा होता है, अधिगम की हर परिभाषा में हम देखेंगे वहां पर व्यवहार की बात आएगी, आदत की बात आएगी, क्योंकि अधिगम करते ही हम व्यवहार के कारण है, हमारे वातावरण के कारण की जो हमें आवश्यकता होती है। शिक्षा हम किसकी लेते हैं, जिसकी हमें जरूरत होती है और उसे ही हम सीखते हैं। तो अधिगम के लिए कहते हैं कि अधिगम की हर डेफिनेशन में हम मानेंगे कि इसमें हमारे व्यवहार के बारे में प्रत्येक जो हमारे शिक्षाविद हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने प्रत्येक अपनी परिभाषा में व्यवहार का जो अधिगम है वो व्यवहार से संबंधित होता है। अब हम देखें इसमें कि जो हमारा अधिगम है मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है ये प्रक्रिया। सीखने की गति में हमारा जो वातावरण होता है, वातावरण के अनुरूप हम उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। वातावरण यानी कि हमारे वातावरण किस तरीके से बनता है, हमारा वातावरण हमारी आवश्यकता निर्धारित करती है। जैसी हमारी आवश्यकता होती है हमारा वातावरण वैसा ही बन जाता है। इसीलिए कहते हैं जो अधिगम हम करते हैं उसमें परिवर्तन हमारे वातावरण के अनुकूल हो सकता है, वातावरण के अनुसार हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब हम देखें कि सामान्य अर्थ में, सिंपल भाषा में हम अधिगम का अर्थ देखेंगे तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना या व्यवहार में परिवर्तन लाना। सीखना
सीखना या व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये हमारा सामान्य अर्थ निकलता है किसका? अधिगम का। अधिगम का अर्थ है सीखना या व्यवहार में परिवर्तन लाना। इसके लिए कहते हैं कि जैसे हम जितना हम सीखते हैं उसके सीखने के अनुसार ही हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन होता चला जाता है। और शिक्षण और अधिगम को हम कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये दोनों निरंतर साथ चलते रहते हैं। जिस तरीके से हमारी जो गाड़ी होती है उसके अगर वो पहिए ना हो तो क्या होगा, वो गाड़ी चल नहीं पाएगी। इसी तरीके से हमारा जो शिक्षण और अधिगम है अगर एक छूट जाता है तो वो प्रक्रिया ही अधूरी रह जाती है, या कहें कि हमारी प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। तो शिक्षण और अधिगम हमारे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं जो हमारे निरंतर साथ साथ चलते हैं। शिक्षण तथा सीखने की जो प्रक्रिया है वो मिश्रित रूप में हम उसे कहते हैं शिक्षण अधिगम। इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? शिक्षण अधिगम। क्योंकि यह प्रक्रिया प्रक्रिया साथ, दोनों साथ मिलकर संपन्न करते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। जो हमें पढ़ाते हैं फिर अधिगम करते हैं, यानी कि हम सीखते हैं। शिक्षण कौन करवाता है हमें? शिक्षक। और अधिगम कौन करते हैं? छात्र। इसीलिए कहते हैं शिक्षण और अधिगम मिलकर हम इसका मिश्रित रूप देखेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे? शिक्षण अधिगम। अब हम देखते हैं आगे इन परिभाषाओं के बारे में कि कौन कौन से जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने हमारी जो अधिगम की परिभाषा क्या बताई। ये परिभाषाएं जो मैंने आज आपको 7 परिभाषाएं लिखी हुई है, ये 7 जो हमारी परिभाषाएं हैं ये सभी महत्वपूर्ण होती हैं। ये हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि ये परिभाषा देने के बाद में या तो हमसे नाम पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसकी है, या फिर इसमें ये होता है कि हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम देकर और हमसे वो परिभाषा पूछी जाती है। तो ये जो आज मैंने 7 परिभाषाएं, ये हमारी 7 ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रथम है हमारी वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ के पर जो हमारी डेफिनेशन है ये कई बार पूछी गई है, इसीलिए जो हमारी डेफिनेशन है वो श्योरली एक डेफिनेशन जरूर एग्जाम में पूछी जाती है। वुडवर्थ ने कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? विकास की प्रक्रिया। कहते हैं कि अगर जब हम शिक्षण प्रक्रिया करते हैं और जब छात्र उससे कुछ सीखेंगे ही नहीं तो वो प्रक्रिया कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। इसीलिए अगर हमें उसे विकासशील बनाना है, विकसित करना है, उसमें गति प्रदान करना है तो सीखने की प्रक्रिया को अपनाना है। जितना ज्यादा अच्छा बच्चा सीखेगा उतना ही उसका विकास होता चला जाएगा। तो सीखने के लिए कहते हैं सीखना विकास की प्रक्रिया है, ऐसा वुडवर्थ ने कहा है। सेकंड है हमारी स्किनर ने कहा है अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, यानी कि जब सीखते हैं। अधिगम यानी सीखना, अधिगम व्यवहार में। मैंने बताया था कि प्रत्येक परिभाषा में देखना हमारा व्यवहार इससे जुड़ा हुआ रहेगा, यानी अधिगम हमारे व्यवहार और वातावरण दोनों से जुड़ा हुआ रहता है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, यानी कि हम जैसा हमारा व्यवहार होगा हम उससे बढ़ते हुए आगे हम उसमें एक अनुकूलन करना सिखाता है हमें। यानी कि व्यवहार जब हम देखते हैं कि विद्यालय में बच्चे आते हैं तो वो अपने उस वातावरण से किस तरीके से अनुकूलन बिठाते हैं, क्योंकि वो उस व्यवहार में उस वातावरण में वो ढल जाते हैं। सामने उन्हें सिखाया जाता है कि जहां हम परिवार में हम अपने रिश्तेदार, अपने माता पिता इनके साथ रहते हैं, लेकिन जब हम विद्यालय में आते हैं तो हमें यहाँ के जो छात्र हैं उनके साथ मिलकर हमारे सहपाठियों के साथ
हमें उस वातावरण में अनुकूलता और अच्छा उत्तरोत्तरण जिसमें बढ़ोतरी करते हुए चले जाते हैं अपने व्यवहार में। जो बच्चा प्रथम दिन आता है उससे हम देखते जब हम कंपेयर करेंगे कि बच्चे के व्यवहार में निरंतर परिवर्तन आ रहा है, तो वो किसके कारण आ रहा है? अधिगम के कारण। चाहे हम विद्यार्थी को जो शिक्षक है बेसिक नॉलेज है कि हमें विद्यालय में किस तरीके का व्यवहार करना है, लेकिन हम उसे ये देखेंगे कि दिन प्रतिदिन जो बच्चा है उसके व्यवहार में परिवर्तन आता जा रहा है। तो ये परिवर्तन के लिए कहते हैं कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, उसके अनुकूलन उसकी बढ़ती जाती है कि किस तरीके से उसका व्यवहार करना है। फिर आता है हमारे स्मिथ के अनुसार। स्मिथ जी ने कहा है कि शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। मैंने आपको बताया था कि शिक्षण और अधिगम हमारे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसीलिए इसमें कहा है कि शिक्षण क्रियाओं का वह समूह होता है, यानी कि जो शिक्षण हमें करवाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है हमें, वो हमारी क्रियाओं का समूह होता है कि हमें क्या करना है, हमारे कार्यों का समूह होता है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि बच्चा कैसे सीखेगा इसके लिए तो हमारी शिक्षण पर निर्धारित है, हमारी आवश्यकता ही तो हमारी शिक्षण बनेगी कि हमें किस तरीके का ज्ञान लेना है, किससे संबंधित हमें शिक्षा लेनी है। तो उसमें कहा गया कि जो हमारे शिक्षण की क्रियाओं का जो समूह होता है वो हमें अधिगम करने के लिए हमें प्रेरित करता है, मोटिवेट करना है कि हमें ये कार्य करना है, किस तरीके से हमें ये कार्य आगे बढ़ाना है। शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है, बच्चों के लिए वातावरण बनाता है कि उसे ये चीज सीखनी ही है। अगर हमारे अधिगम को हमें प्रेरित करना है तो पहले हमारी जो शिक्षण की क्रियाएं हैं, हम हमारी जो शिक्षण की क्रियाओं का समूह होता है उसके ऊपर डिपेंड है कि हम किस तरीके का अधिगम करना चाहते हैं या हमारी अधिगम प्रक्रिया कितनी आगे तक सफल हो सकती है। फिर है जेपी गिलफोर्ड जी ने कहा है व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। ये भी हमारी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है जेपी गिलफोर्ड जी की। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार में हम वही चीज लाते हैं जो हमारी जरूरत होती है, तो इसलिए कहते हैं कि व्यवहार के कारण यानी कि हमारी जरूरत के कारण किसमें परिवर्तन आ जाता है? हमारे व्यवहार में, कि हम उसे लेने की कोशिश, उसे हम अपनी आवश्यकता अपना लक्ष्य बना लेते हैं। यानी कि हम करते क्या है, हम यही करते हैं ना कि हमारी जो शिक्षण हमारी जो हमारी आवश्यकता होती है हम उसे ही हमारा लक्ष्य बनाते हैं कि हमें अगर टीचर बनना है तो हम टीचर की तैयारी करेंगे, उसके लिए हम हमारे जितना हो सके हम उसके बारे में नॉलेज लेते हैं। तो वो जरूरत बन गई कि हमें टीचर बनना है, हमें हमारा उद्देश्य जो हमारा लक्ष्य है उसको निर्धारित करना है। तो जब हम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं तो उस लक्ष्य के कारण ही हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। इसीलिए कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगम होता है। जो हमारी जरूरत होती है हम उसे सीखते हैं और वो हमारा क्या होता है, वही अधिगम होता है। फिर है क्रो एवं क्रो के अनुसार। ये तीन परिभाषाएं जो है हमारी वुडवर्ड जी की, गिलफोर्ड जी की और क्रो एवं क्रो के अनुसार, ये परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें है क्रो एंड क्रो ने कहा है कि आदतों ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। आदतों का ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही क्या कहलाता है, अधिगम। यानी कि आदत क्या है, हमारा व्यवहार जो हमारे व्यवहार में होता है उसका जो हम ज्ञान लेते हैं वो ही हमारा क्या बनता है, जिसके लिए हम अर्जित करते हैं, जो सारे कार्य करते हैं, जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं वो हमारा अधिगम बन जाता है। कि जिस चीज की हमें जरूरत है उसके लिए जो भी हम क्रियाएं कर रहे हैं वो हमारी अधिगम की श्रेणी में आते हैं, या हम कहें कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो हमारा अधिगम। फिर आता है एम एस चौहान जी ने कहा है प्राणी व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। प्राणी व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। पहले भी बताया था कि अधिगम हमेशा
जब हम छात्रों को अधिगम करवाते हैं शिक्षक, तो उनके अंदर एक वांछित परिवर्तन लाते हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि जब रानी के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन किसके कारण आता है? अधिगम के कारण। जो परिवर्तन आया है वही क्या है? हमारा अधिगम है। फिर है एडविन ने गुथरी के अनुसार, अधिगम किसी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है, जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभव के कारण आती है। ये हमारे कारकों में भी आएगा कि जो हमारा पूर्व अनुभव होता है वो क्या होता है? हमारे नवीन ज्ञान से हमें जोड़ता है, हमें प्रेरित करता है कि हमने पहले ऐसा कौन सा कार्य किया जिसमें हमारे कमी रही, तो हमें उसको प्रेरित करता है पूर्व ज्ञान कि हमें किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो कहते हैं अधिगम हमारी ऐसी जो भिन्न ढंग की जो परिस्थितियां हैं, जो हमारी कार्य करने की क्षमता होती है, उसे हम अपनी परिस्थिति के अनुसार हम क्या करते हैं? हमारे जो पूर्व अनुभव होते हैं उनके कारण हम आगे अधिगम की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। कि किस तरीके से, कहते हैं ना कि अधिगम प्रक्रिया को स्थापित करते हैं कि जो हमने पूर्व में किया उसमें हमारा ऐसा क्या कमी रही जिससे हमें सफलता हासिल नहीं हुई। हम कई बार देखते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हम परीक्षा में सफल नहीं होते। जब हम पुनः उसकी तैयारी करते हैं, पुनः हम योजना बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारी जो पहले की योजना में कहाँ कमी रही। तो वही है कि जो परिस्थिति हमारे सामने, जो प्रीवियस की परिस्थितियां हैं, उसे हम देखते हैं, टटोलते हैं कि हमारी कहाँ कमी रही, और फिर हम हमारे कार्य करने की क्षमता को जानते हैं कि किस तरीके से हमने कार्य किया, और हम पूर्व अनुभव के साथ साथ हम अपनी परिस्थितियां, इन दोनों को मिलाकर हम हमारा अधिगम करते हैं। तो इनके कहा है कि अधिगम किसी परिस्थिति में भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है, जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभव के कारण उत्पन्न होती है। क्योंकि अगर हम पूर्व में सफल हो जाए तो हम मेहनत ही नहीं करेंगे। इसके लिए कहते हैं कि जो हम अधिगम करते हैं वो हमारी परिस्थिति उत्पन्न करती है, साथ में हमारे पूर्व अनुभव हमारे कारण बन जाते हैं। तो ये आज की हमारी वीडियो थी अधिगम का अर्थ एवं अधिगम की परिभाषाएं। और ये सारी परिभाषाएं मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि ये परिभाषाएं हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन्हें आप सब, इन परिभाषाओं को लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में जो मैंने यहाँ पर लिखी है। धन्यवाद।